हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कैसे कॉपी करना है। सो दो फाइल्स में हम लोग काम करेंगे, कैसे करना है ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सोर्सेस हमारे पास होनी चाहिए, रिसोर्सेस। तो एक तो प्रोग्राम फाइल जो आप जिसमें आप कोड लिखेंगे वह होना चाहिए, एक फाइल जिसको आपको कॉपी करना है। तो student.txt मेरा एक फाइल है जिसमें ये वाला कंटेंट है, ये मुझको कॉपी करना है एक नए फाइल में, जो कि फाइल मैंने बनाया हुआ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर, देखिए हमारे पास सिर्फ ये जिसमें मैं कोड कर रहा हुआ geekysource.py ये फाइल है, और एक हमारा student.txt है जो इसमें कि ये वाला लिखा हुआ है। अभी हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा बिकॉज हम लोग मोड लगाएंगे w, और उसमें ये कंटेंट भी हमारा कॉपी होना चाहिए। तो कैसे करते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में कंटेंट कॉपी। एक फाइल ऑब्जेक्ट f1 मैंने लिखा, मैं एक फाइल जिसको मुझे कॉपी करना है student.txt, इसको मैंने यहाँ लिखा, और इसको इसके कंटेंट को मुझे दूसरे फाइल में कॉपी करना है। तो इसको मैं पढ़ूंगा तभी तो कॉपी करूंगा, तो मुझे इसको रीड करना पड़ेगा। तो इसका मोड मैं लिख दूंगा क्या R, यानी कि इसको रीड मोड में ओपन करना है। और एक दूसरा फाइल होगा जिसमें ये कॉपी किया जाएगा, तो उसको हम लोग ओपन करेंगे student1.txt लिखा मैंने, इसको हम लोग ओपन करेंगे, डॉट नहीं लिखा, .txt, इसको हम लोग ओपन करेंगे राइट मोड में बिकॉज उसमें लिखना है, तो ये हमारा w मोड में हो गया। सो ये वाला जो फाइल है हमारा, ये रीड मोड में ओपन हो रहा है, और student.1 है नहीं हमारे पास, बट ये ऑटोमेटिकली हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर क्रिएट होता तो ओवरराइट हो जाता, और नहीं है तो ये क्रिएट करेगा और डेटा राइट करेगा, तो ये वाला हमारा राइट होगा। कैसे राइट करना है, पहले रीड कर लेना है, तो रीड करते हैं f1.read, हमने सारा कंटेंट रीड कर लिया अपने f1 वाले ऑब्जेक्ट से, यानी कि student.txt से। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, आपको प्रिंट करके दिखाऊँ इस तरीके से, डेटा सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे हम लोग रन, तो मुझे यहाँ हेलो geekysource ये रीड होकर मिल जाता है। तो मुझे रीड नहीं करना है, मुझे इसको रीड करके पेस्ट करना है अपने नए फाइल में, मतलब राइट करना है, रीड करके और राइट करना है नए फाइल में। तो सिंपली क्या करेंगे, f2 में राइट करना है, तो f2 लिखा राइट, और क्या राइट करना है, जो रीड किया है, यानी कि जो रीड किया इस डेटा में आया, उस डेटा को मुझे f2 में राइट करना है। तो मैंने सिंपली ये वाला लिख दिया। अभी आप चाहें तो इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं बिकॉज सारा काम हो गया है। नीचे आप चाहें तो प्रिंट सक्सेस के लिए अपना एक मैसेज दे सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद ओके, हमने यहाँ पर दो फाइल ओपन किए, तो दोनों फाइल को हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। तो F1 को क्लोज़ किया, F1 को क्लोज़ करने के बाद आपको F2 को भी क्लोज़ करना है, तो हम लोग F2 को क्लोज़ कर देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो हमारा कंटेंट कॉपी हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जाकर, देखिए यहाँ एक नया फाइल बना है student.1, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे geekysource हमारा कंटेंट, ये student.txt जिसमें हमारा था, इससे हमने कॉपी कर लिया student.1 में ये वाला कंटेंट। तो इस तरीके से आप एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हैं। सिंपली करना यह है कि जिसको कॉपी करना है उसको रीड कीजिए, रीड करने के बाद एक वेरिएबल में सारा डेटा रख लीजिए, और वह डेटा आप दूसरे फाइल में राइट कर दीजिए। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।